हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैंडिंग सीलर को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये वुड होम कंपनी का सैंडिंग सीलर है, आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, बनाने का प्रोसेस सेम ही होगा। कंपनी के हिसाब से इसमें थिनर कम ज़्यादा मिक्स किया जा सकता है और इसके ऊपर वार्निंग भी लिखी होती है कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हमें यूज करने से पहले, तो इसके ऊपर आप पढ़ लें। तो उसके लिए हमें लेना है खाली डब्बा, ये खाली डब्बा लिया है मैंने एक, और ये आपको जितना यूज करना हो उतना ही बनाएं। वैसे तो ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब इसमें थिनर पड़ जाता है तो ये बढ़िया काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको जितना यूज करना हो आप उतना ही बनाएं। तो देख सकते हैं, ये मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम के आसपास का है ये। और इसमें थिनर मिक्स करना है एनसी थिनर, इस पैकिंग में एनसी थिनर है, बाकी ये बोतल किसी और कंपनी की है, तो आप एनसी थिनर यूज करें, बढ़िया कंपनी का, बेस्ट रिजल्ट के लिए। और इसको धूप में ही यूज करें आप, तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब ये वुड होम कंपनी का है, तो इसमें लगभग आपको 200 ग्राम तक थिनर मिक्स करना पड़ेगा, जितना आपने सीलर लिया है उससे डबल थिनर डालना पड़ेगा इसमें। ये देख सकते हैं, लगभग 200 ग्राम तक थिनर हो गया है। अब इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये सीलर आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पॉलिश करने के लिए, जैसे वीनियर हो गया, लकड़ी हो गई, और ये आप घर के अंदर ही प्रयोग करें, क्योंकि घर के बाहर ये थोड़ा सा जल्दी खराब हो जाता है, तो घर के अंदर अगर यूज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको और लाइफ भी बढ़िया होगी इसकी। वो इस तरह से मिक्स करना है इसको। और ये देख सकते हैं, इतना पतला हो गया है ये इस तरह का हो गया है। अभी यूज करने के लिए बेस्ट है। अब एक कपड़े की गद्दी लेनी है, कपड़ा मलमल का होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। अगर आप कोई कलर वाला कपड़ा यूज करते हैं तो उसका रंग निकल जाएगा, इसलिए आप व्हाइट कपड़ा ही प्रयोग करें मलमल का। इसको धोती कहते हैं, जब आप पेंट स्टोर पे जाएंगे तो वहां से बोल देंगे कि मुझे धोती चाहिए, तो वो आपको दे देगा। और इस तरह से कपड़ा निचोड़ देना है और उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। इस तरह से इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल सूखे सूखे हाथ से ही मारना है ताकि गद्दी के निशान ज़्यादा ना दिखे। इसके आपको लगभग 10-12 हाथ मारने पड़ते हैं, जब तक आपकी नस पूरी भर नहीं जाती है लकड़ी या वीनर की, तब तक इसको मारते ही रहना है। 1-2 मिनट का गैप देके 10-12 गद्दियाँ मार देनी है इसी तरह से, तो इसकी नस भर जाएगी। उसके बाद में इसके ऊपर आप टॉप कोट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने एक ई बुक बनाई है, पेंट और पॉलिश कैसे सीखें, ये देख सकते हैं, ये लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसमें आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, लगभग 20 पेज की बुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सबसे ऊपर लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में सीधा बुक पे पहुंच जाएंगे, फिर व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है।